आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार, आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है, ऋषिकेश में बोले पीएम मोदी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कमजोर और अस्थिर सरकार के नुकसान गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसार लिए थे। क्या कुछ बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप भी सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी दाना सयाणु दीदी, भोली चाचा, बड़ियों तय मेरो प्रणाम। माँ गंगा के सानिध्य में बसे चार धाम के द्वार ऋषिकेश में इतनी विशाल संख्या और इतने बड़े उत्साह उमंग के साथ आप हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं उत्तराखंड आता हूं तो आपसे आशीर्वाद मांगने के साथ ही आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें भी ताजा कर लेता हूं। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं तो यहां भी वही गूंज है फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आवाहन करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आवाहन करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आवाहन करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर
और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी वन रैंक वन पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं,
लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें, अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा। और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने पुराने चेहरे देख रहा था, दूर से मुंडी हिलाकर के उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? मुझे क्षमा कीजिए, आप शांत रहेंगे क्या? आप कहें तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, मैंने कहा ना, मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं, इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार
उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में 3-4 रुद्राक्ष की मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई तो उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला, तो बोले मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो युवाओं को यहां है, कैंपिंग करना हो, दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है, या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सिमट रही है। उत्तराखंड के जिन सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, भाजपा उन्हें देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है। आपने देखा होगा मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रॉप वे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। सड़क के रास्ते जो दूरी तय करने में
कई कई घंटे लगते थे उसे कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाएगा। चार धाम परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को लगभग 900 किलोमीटर लंबे हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इन सब प्रयासों से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा क्योंकि भाजपा की नीयत सही है और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, 2027 तक केदारनाथ में एक साल के भीतर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को पहुंचने का रिकॉर्ड था। पिछले वर्ष करीब 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी चार धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी।